Assalamu alaikum everyone and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are fine and doing well at your homes. आज की वीडियो में मैं आपसे टेंसेस के बारे में बात करूंगी. सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि टेंस होता क्या है. टेंस वर्ब की वो फॉर्म है जो हमें किसी काम के करने या होने का वक्त बताती है कि ये काम कब हो गया था, कब होगा या कब होने वाला है. तो इसी तरह से टेंस जो है वो तीन तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. आज की वीडियो में हम ज़्यादातर बात प्रेजेंट टेंस की करेंगे. तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, वो काम या वो चीज़ें या वो हम जो लिखते हैं वर्ड्स वो ट्रू हों, मतलब कि वो फैक्ट्स पे बेस करते हों या वो काम हम रेगुलर बेसिस पे करते हों. जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, शी गोज़ टू स्कूल. जो इसमें जो गोज़ है मतलब जो वर्ब है वो ये शो कर रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस है और ये भी सजेस्ट कर रहा है कि वो ये काम रेगुलर करती है, मतलब वो रेगुलरली स्कूल जाती है. इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस की टाइप्स कौन सी हैं या कितनी हैं. तो प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स हैं. सबसे पहले आती है प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको हम सिंपल टेंसेस भी कहते हैं. उसके बाद आती है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. इसके बाद मैं आपसे बात करूँगी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में. तो हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को वो वहाँ पर यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन हो रहा हो, मतलब उसी वक्त हो रहा हो या होने वाला हो या होता हो रेगुलर बेसिस पे. ठीक हो गया. तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट टेंस है? लाइक अगर हमारे सामने कोई सेंटेंस बोल रहा है या कुछ लिखा हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है या क्या है? तो वो हम ऐसे देखते हैं कि जो उर्दू के फिक्रे होते हैं, जो उर्दू के सेंटेंसेज होते हैं, उनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं या अली छोटी और बड़ी है वगैरह है, तो हम कहेंगे कि भाई ये प्रेजेंट टेंस. उसके बाद अगर हम सिंपल सेंटेंसेस देखें प्रेजेंट टेंस में, तो हम देखते हैं कि उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है. सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और एडिशन ऑफ एस और ई एस होता है और ऑब्जेक्ट आता है. एडिशन ऑफ एस जो हम करते हैं वो प्लूरल नाउंस के साथ करते हैं, जैसे आई, वी, दे एंड यू, और उन वर्ब्स के साथ जो एंड जिनके एंड पर वोवल आता है. उसके बाद हम ई एस का एडिशन वहाँ पे करते हैं जो सिंगुलर नाउंस होते हैं, जैसे ही, शी एंड इट. इसके बाद जो आप इसकी एग्जांपल देखें तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, वो हर रोज़ स्कूल जाता है. ही गोज़ टू स्कूल डेली. इसमें गो जो था वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, ई एस हमने एडिशन किया या ऐड किया. उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखें, वो अपनी बहन से मिलती जुलती है. इसमें आप इसको देखें, शी रिजेंबल्स हर सिस्टर. अब इसमें रिजेंबल में ई मतलब वोवल साउंड आ गया था तो हमने सिर्फ ऐड किया एस को. उसके बाद हम बात करते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट के, या उसकी फॉर्मेशन क्या है. तो उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद दो हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, डू और डज. उसके बाद नॉट को ऐड करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं और एंड पर ऑब्जेक्ट आता है. जैसे जो नॉट है वो क्यों यूज़ होता है, ये जो वर्ड है किसी काम को डिनाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं, किसी काम से इनकार करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. डज जो है वो वर्ड सिर्फ सिंगुलर नाउंस के साथ यूज़ होता है, जैसे ही, शी एंड इट. और जो डू है वो प्लूरल नाउंस के साथ आता है, जैसे दे, वी, आई एंड यू. इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो हम देखते हैं कि वो अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश. वो देर से नहीं आते हैं. अब इसमें आते हैं मतलब के प्लूरल नाउन आ गया, तो हम दे डू नॉट कम लेट. इसके बाद बाकी एग्जांपल्स आप देख सकते हो. और सबसे एंड पे हम बात करेंगे फॉर्मेशन फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे डू और डज है तो वो हम सबसे पहले ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर सबसे एंड पे हम एक क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं. इसकी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, क्या उसने अंग्रेजी बोली, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो देर से आए, डू दे कम लेट. सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर माई वीडियो. मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ और आपके जो भी कन्फ्यूजन है टेंसेस के बारे में वो सब दूर हो जाए. एंड ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल. और इसी तरह बाकी टेंसेस की वीडियोज़ भी आने वाली हैं, तो इसलिए सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आपको जल्दी जल्दी से नोटिफाई भी हो जाए. अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू ऑल देयर. थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग माई वॉइस एंड अल्लाह हाफिज़. विल गेट बैक टू यू सोन विद अनदर वीडियो.